हरदोई जनपद के युवा एवं प्रखर समाज सेवी ठाकुर कर्ण सिंह राणा आज कन्नौज जिले के मेहंदी घाट पर दान कुंज सेवा समिति द्वारा आयोजित गंगा आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच दान कुंज सेवा समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव द्वारा गणेश आरती के साथ गंगा आरती भी की गई। इसके साथ श्री यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर गंगा आरती भी की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर हरदोई जिले के समाज सेवी ठाकुर कर्ण सिंह राणा ने कहा कि मेहंदी घाट गंगा तट पर यह उनकी पहली गंगा आरती है, जिसे दान कुंज सेवा समिति द्वारा आयोजित कर भाईचारे की मिसाल को कायम किया गया है। समाज सेवी ने बताया कि बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन रहा, जिसके लिए नवाब सिंह यादव जी को बधाई दी। इस मौके पर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी सदस्य एवं सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हुआ है और आपने आज यहाँ पे कितने दीपों को प्रज्वलित किया? यहाँ जो गंगा पर्व होते हैं उनकी पूर्व संध्या पर हजारों लोग श्रद्धालु आते हैं। माँ गंगा की महाआरती आयोजन होता है, जिसमें सभी लोग दीपदान करते हैं, माँ भगवती की आरती करते हैं और संकल्प लेते हैं माँ भगवती गंगा मैया को स्वच्छ रखेंगे, जो जीवन दायिनी है हम उन्हें सब स्वच्छ और साफ रखेंगे। ये संकल्प लेके यहाँ आरती करते हैं, विशेष सफाई का ध्यान रखते हैं। आपका परिचय? हमारी एक समिति है, कानकुज सेवा समिति, उसके हम अध्यक्ष हैं नवाब सिंह यादव। आज कन्नौज में गंगा नदी के तट पर नवाबुल हक सेवा समिति के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव जी के साथ आज हम यहां पर कन्नौज जिले में आकर के हमने आरती की है और आरती का आनंद लिया है। करण सिंह राणा, समाज।